हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म। हमने पार्टनरशिप फर्म के बारे में आपको पिछले क्लास में बताया था। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट जो होता है उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप फर्म में। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनको अपनी जो है फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और कितना उनका शेयरिंग हुआ, ये सब जानने के लिए, प्रॉफिट रेशियो क्या हुआ, ये सब जानने के लिए जो है वो अपना एक अकाउंट मेंटेन करते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप फर्म में जो है जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है, वो दो तरह से होता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहला दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट खोले जाते हैं। एक खोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा खोला जाता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। दोस्तों, सबसे पहले कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या है ये जानना जरूरी है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें केवल पार्टनर का कैपिटल दिखाई जाती है, यानी वो पैसे, वो इन्वेस्टमेंट जो शुरू में किया होता है, जो भी पैसा बिजनेस के लिए लगाया जाता है, बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इसमें केवल हम पार्टनर के कैपिटल को दिखाते हैं। अगर पहले से जो भी ओपनिंग हमारी दी हो कैपिटल अकाउंट, मान लेते हैं कि अगर ए को 10,000 लगाया हो और बी ने 20,000 अगर इन्वेस्टमेंट किया हो, तो इनकी जो है जो ओपनिंग दी रहेगी उसको बीडी लिखेंगे, राइट डाउन, और यहाँ पर दिखाएंगे ए के अकाउंट में 20,000, ए 10,000 और बी के अकाउंट में 20,000। यानी दोस्तों, जो हमारा होगा ए का कैपिटल अगर 10,000 है, बी का कैपिटल 20,000, तो ये हमारा, यानी ये जो पार्टनर ए एंड बी जो हैं, इनका एक कैपिटल अकाउंट केवल, यानी कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल का ही अमाउंट होता है, दूसरा कोई भी चीज इसमें नहीं लिखी जाती। यानी कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल के अमाउंट ही होता है। पार्टनरशिप जो भी फर्म में लगे, जो भी पार्टनर होते हैं, उनका जो पर्सनल कैपिटल होता है, जो उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होता है पार्टनरशिप फर्म में, कि किसका कितना रेशियो है, वो इसमें दिखाया जाता है। कि पार्टनरशिप फर्म में जैसे ए ने अगर 10,000 लगा रखा हो और बी जो है 20,000 लगा रखा हो, तो ए के अकाउंट में 10,000 और बी के अकाउंट में 20,000 शो करेंगे। और इसमें कैपिटल के अलावा, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अलावा, दूसरा कोई भी खर्चा इसमें शो नहीं करते। ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा दोस्तों बनाया जाता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, यानी पार्टनर्स को जो भी इनकम होता है, वो सारे जो हैं पार्टनरशिप फर्म में क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। यानी पार्टनर को जो इनकम होते हैं, या कहें कि पार्टनरशिप फर्म में जो भी खर्चे होते हैं, उसे हम क्रेडिट पार्ट में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर अगर कोई जो भी पार्टनर जो भी हैं, अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया है कैपिटल, और कैपिटल को कोई अगर इंटरेस्ट दिया जाता है, तो हम क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। बाई कमीशन अगर पार्टनर को दिया जाता है तो वो दिखाते हैं। सैलरी या वेजेज जो भी है वो दिखाते हैं, साथ में दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एसोसिएटेड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारे अकाउंट से पहले एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन एप्रिसिएट अकाउंट बनाते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएट अकाउंट बनाते हैं, जो जिससे हमारा ये निकलता है कि पार्टनरों का कितना इस साल फाइनेंशियल ईयर में कितनी प्रॉफिट हुई और लॉस हुई। वो अगर प्रॉफिट हो रहा होता है तो उसे करेंट अकाउंट में जो है क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। अगर लॉस होता है तो उस रेशियो में कि लॉस जो बांटा जाता है पार्टनरों के बीच, उस लॉस को यहाँ शो करते हैं, यानी डेबिट पक्ष में शो करते हैं। इसके बाद जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है कि लास्ट में कितना उनके पास क्रेडिट बचा या डेबिट बचा, डेबिट बैलेंस बचा या क्रेडिट बैलेंस बचा, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है। यानी इसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं पार्टनरों के लिए।
सबसे पहले पार्टनर का पहले अकाउंट, दूसरा पार्टनर करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि दो अकाउंट क्यों बनाए जाते हैं, दोनों एक ही अकाउंट क्यों नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि दो अकाउंट बनने का पर्पज ये है कि कैपिटल जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर उन्होंने ड्रॉविंग निकाला हो, अगर खर्ची यानी ड्रॉविंग निकाल रहे हो या अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकाल रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, या यानी कैपिटल नेचर का कोई खर्चा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया जाता और इसका कोई भी इफेक्ट इस अकाउंट पर नहीं पड़ता। और इसका फायदा ये होता है कि हमें हमेशा करंट पोजीशन जो है कैपिटल का हमें दिखाई देता रहता है कि किस पार्टनर का कितना इन्वेस्टमेंट है। और कोई अगर चेंजिंग भी होता है तो केवल पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट में चेंजिंग होता है, न कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए अलग से पार्टनर करेंट अकाउंट कैपिटल करेंट कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें ये सब दिखाए जाते हैं कि कमीशन क्या मिला, पार्टनर को क्या मिला और क्या उसे देना पड़ा, यानी ये सारी चीज़ें जो है पार्टनर करेंट अकाउंट में दिखाते हैं। इसीलिए इस मेथड में दो अकाउंट खोले जाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा खोला जाता है पार्टनर करेंट अकाउंट। अब आता है दूसरा मेथड, वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस मेथड का ये फायदा है कि इसमें हमें दो अकाउंट नहीं बनाने होते हैं, दो की जगह हमें एक अकाउंट बनाना होता है, उसे पार्टनर कहते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी दोस्तों इसमें जो है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट से मतलब ये है कि इसमें हमारा जो ये अमाउंट है वो भी जुड़ा होता है। यानी इधर अगर हमारा कैपिटल जो है वो भी दिखाते हैं बाई बैलेंस, जो हम यहाँ दिखाते थे वो चीज वो ट्रांजेक्शन इधर दिखाएंगे। यानी जो हमारा बैलेंस था एक पार्टनर का वो हम यहाँ पर शो करते हैं और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है। यानी कहने का मतलब कि ये दोनों का मैचुअल करके एक ही अकाउंट बनाई जाती है और इसका इफेक्ट जो भी है यानी इनका जो हर साल का होगा, क्योंकि इसमें अलग रहता है तो कैपिटल में कोई चेंजिंग नहीं आता, लेकिन ये ईयर वाइज खर्चे के अनुसार उनके कैपिटल में भी चेंजिंग आता रहता है। ये दो मेथड है दोस्तों, एक है फिक्स कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, जो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब यहां पर हमें जानना जरूरी है कि कैपिटल या कहें जनरल एंट्री एंट्री फॉर कैपिटल, जनरल एंट्री फॉर कैपिटल यानी कैपिटल के लिए जनरल एंट्री कैसे करेंगे। दूसरी पहले चीज तो दोस्तों ये जानो कि कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए हमें पैसे की फंड की जरूरत होती है। फंड दो तरह से आते हैं, मांग चले कि ए बी कोई पार्टनर है, ए और बी मिलकर कोई फर्म बनाते हैं, एबीसी फर्म, ए बी फर्म बनाते हैं और उसमें जो है दोनों पार्टनर की भूमिका ये है कि ये पार्टनर जो है कैश में इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा पार्टनर जो है वो एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है। यानी पहला ये है कि ये बोलता है कि मैं फर्म में पैसे लगा सकता हूँ और दूसरा ये बोलता है कि मैं पैसे नहीं लेकिन फर्म के लिए हम जो एसेट जो भी होगी बिल्डिंग या लैंड या फर्नीचर इस एक्सेट्रा जो भी लगेंगे वो चीज़ हम देंगे। ऐसे कंडीशन में इनकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो दोस्तों सबसे पहले कैश वाले के लिए ये के लिए होगा, क्योंकि कैश पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो ऐसे करेंगे कैश अकाउंट डेबिट
इज कैपिटल अकाउंट बीइंग ए प्रोवाइड कैश टू फर्म पार्टनरशिप फर्म, यानी ये जो है पार्टनरशिप फर्म को कैश यानी फंड प्रोवाइड करता है, तो जो भी कैश आएगा उसे हम डेबिट करेंगे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर चेक से आता है तो ऐसे कंडीशन में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे एक कैपिटल अकाउंट। अब दोस्तों आता है दूसरा तो कैश दे नहीं रहा, देता क्या है एसेट। तो क्योंकि एसेट भी हम रियल अकाउंट से रिलेटेड है, इसलिए हम एसेट अकाउंट को अगर वो कैश ना देकर अगर संपत्ति देता है तो ऐसे कंडीशन में जो भी जैसे फर्नीचर फिक्सचर जो भी होगा उस अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे जो पार्टनर दे रहा हो उसको। यहां लिखेंगे बी प्रोवाइड एसेट्स टू पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसे कंडीशन में एसेट अकाउंट को डेबिट, एसेट से मतलब है हमारा मींस फर्नीचर बिल्डिंग जो भी हो, जो लैंड अगर प्रोवाइड करता हो, यानी कोई भी चीजें अगर एसेट के रूप में पर फ्रिज इस टाइप की चीज फैन, तो उसे हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट। यानी दोस्तों ये थी जनरल एंट्री। जब हम एक फर्म को चालू करते हैं तो उसके लिए कैपिटल जो है इम्पोर्टेंट होता है, और कैपिटल आता है दो तरह से, या तो कैश आएगा या एसेट में आएगा। दो तीन पार्टनर मिलकर इसीलिए फर्म चलाते हैं क्योंकि सारे पार्टनर एक तरह के नहीं होते। कुछ पार्टनरों के पास पैसे होते हैं, कुछ के पास एसेट होते हैं, और कुछ के पास पास नॉलेज होता है। ए के पास पैसे हैं, बी के पास एसेट है, और तीसरे के पास यानी सी के पास नॉलेज है। तो तीनों मिलकर बिजनेस चलाएंगे, ए पैसा लगाएगा, बी एसेट देगा, संपत्ति जो भी होगा बिजनेस खोलने के लिए जो भी सुख सुविधा होगा जो वो प्रोवाइड करेगा, और सी उसे रन करेगा। यानी ए है पार्टनरशिप फर्म, यानी एक से भले दो यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब आपसी सहमति से कोई फर्म अगर चलाते हो और उसे प्रॉफिट के लिए चला रहे हो, लीगल हो, तो उसे ही कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। दोस्तों ये थी इसकी जनरल एंट्री। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।